जो न्याय की आवाज उठाता है उसके क्या हालात होते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और इसके अलावा सामाजिक बहिष्कार जैसी अनेक चुनौतियों का आपने सामना करना पड़ता है कि गोदी मीडिया हमारी किसी भी मोड पर किसी भी एंगल से हमारी मदद नहीं कर रहा है। सरकार इसी चीज का फायदा उठाती है, रूढ़ियों को तोड़ दो, परंपराएं मोड़ दो और जिसमें देश और समाज का भला ना हो वो काम करना छोड़ दो। आप जानते हैं भारत का जो संविधान है उसके मुख्य रूप से चार स्तंभ हैं। नंबर एक न्यायपालिका, दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका, तीसरा जो स्तंभ है संवैधानिक एवं लोकतंत्र और फोर्थ जो है वो है मीडिया। मीडिया जो है उसमें जो संचार प्रसार विभाग है वो इस देश की एकता और अखंडता के लिए विशेष भूमिका निभाता है और आप भी उसी मीडिया के साथी हैं जो इस स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जो मीडिया साथी हैं इसके बारे में मुख्य रूप से जो बहुजन समाज की जो ड्यूटी बनती है या जो मेरी ड्यूटी बनती है, सरकार की जो ड्यूटी बनती है वो मेरे को कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा। अगर उसकी कोई नीति हो, अगर नीति है भी तो उसमें नियत में खोट है। नीति और नियत दोनों ही मीडिया के प्रति, जैसे आप भी सुनते हैं और मैं भी सुनता हूं गोदी मीडिया के बारे में, गोदी मीडिया जो है वो सरकार के साथ बहुत सारे ऐसे लाभ लेता है और आप देखते रहते हैं। मीडिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि आप न्याय संगत, इस देश में न्याय के खिलाफ दिखाने का और आवाज उठाने का काम करें। लेकिन सही मायने में जो सोशल मीडिया है, आप जैसे जो साथी कुछ यहां हैं कुछ नहीं है, सही मायने में ये काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन अगर टोटल मीडिया की हम बात करें तो हम कुछ साथियों को यह महसूस हुआ रिजर्वेशन इन मीडिया क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आपके ऊपर जो पॉलिसी बननी चाहिए थी, जो सरकार की एक विशेष ड्यूटी है, वो ठीक तरीके से नहीं निभा रही। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी मांग को स्वयं भी उठाएं और मैं इसमें अग्रणी रोल अदा करना चाहता हूं। आप सब साथी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं और साथ चलने की कोशिश करें। तो कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो आप सब साथियों के लिए होने बहुत जरूरी है, जैसे स्वास्थ्य की मैंने बात कही तो आपको सरकार कौन सी ऐसी सुविधा देती है अगर कोई मिस हैपनिंग या घटना होती है जिसका लाभ सरकार आपको दे। अगर सुरक्षा की दृष्टि से मैं कहूं तो ये जो विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका जो फ्यूचर है, आपका जो भविष्य है वो भी मेरे को अंधकार में नजर आ रहा है। आप कब तक इस आवाज को उठाते रहेंगे, काम करते रहेंगे? आपका भी परिवार है, बच्चे हैं, उस पर भी कोई पॉलिसी नहीं है।
दूसरी बात, मेरे ख्याल से सभी साथी जो है ना साधनहीन है, ऐसे कौन से गवर्नमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है या आपको आर्थिक मदद देती है जिससे आपको समय समय पर जब जरूरत पड़ती है, वो भी मेरे को दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि रिजर्वेशन इन मीडिया होना चाहिए। इसका मीनिंग ये है, जो बहुजन समाज है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसके लिए ये कंपल्सरी होना चाहिए कि जो टॉप मीडिया है यहाँ का, नेशनल मीडिया है, उसके अंदर आप जैसे साथी जरूर होने चाहिए और उस पर पॉलिसी होनी चाहिए, उस पॉलिसी का लाभ आपको मिलना चाहिए। आज दुर्भाग्य की बात है, कोई भी अगर आवाज उठाता है तो आप हमारे से बेहतर जानते हैं, जो न्याय की आवाज उठाता है उसके क्या हालात होते हैं। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और इसके अलावा सामाजिक बहिष्कार जैसी अनेक चुनौतियों का आपने सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इसके लिए आप सब मिलकर के सरकार से निवेदन करें और उसको अवगत कराएं कि हमें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस प्रोग्राम में अगर आपको किसी भी तरह की जरूरत पड़ेगी, तन मन धन से तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आप प्रोग्राम बनाएं सभी मिलकर के, आप एकता का परिचय दें। अगर सही माने में देखा जाए तो आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद 5 दिसंबर 1956 में रात के समय एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और वो दुर्घटना आपके दिल्ली में हुई। कहां हुई? 26 अलीपुर रोड पर। घटना क्या हुई? बाबा साहब हमारे बीच में नहीं रहे। इस घटना का अगर मैं जिक्र करूं, और मैं महसूस भी करता हूं जब मेरे को मौका मिलता है, जब मीडिया खासकर मेरे साथ होता है, बाबा साहब की जो अस्थियां थी, बाबा साहब का जो अंतिम संस्कार करना था, वो दिल्ली में ना होकर यहां से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। बॉम्बे जहां शिफ्ट किया गया उस जगह का नाम है दादर, और दादर में एक चैत्य भूमि है जहां बाबा साहब की अस्थियां आज भी रखी हुई है। मैं ये महसूस करता हूं जिस दिन ये घटना हुई थी, उस दिन जो आपका मुख्य मीडिया का जो पिलर है, इस संविधान का जो मुख्य पिलर है, उस पर बहुत भारी चोट लगी थी, और वो चोट जो है आज हम सब महसूस कर रहे हैं कि गोदी मीडिया हमारी किसी भी मोड़ पर किसी भी एंगल से हमारी मदद नहीं कर रहा है। इसलिए हमने ये आपका विषय चुना और आपको यहां आज निमंत्रण भेजा, आपको बुलाया। मैं आपका बहुत दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका ये भारत है, बाबा साहब के संविधान से चलता है। आप संविधान में जो अनुच्छेद हैं, क्योंकि आप बुद्धि जीव वर्ग से आते हैं, तो आप अपनी मांग को, अपने अधिकारों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। कहने का मीनिंग मेरा यह है, अगर हम कई बार हवा में बात करते हैं, हवा से बात नहीं करते हैं। जो आदत है, और विशेषकर सरकार इसी चीज का फायदा उठाती है, हमारी आदत का, हम हवा में बात करते रहे, हवा से बात नहीं करते। आज बाबा साहब के विचार हैं तो हवा के अंदर है, बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है। वो कैसे? 2-3 पंक्तियां मैंने लिखने की कोशिश की, अगर आपकी इजाजत है तो मैं सुना देता हूं, क्योंकि बाबा साहब की अस्थि आज दादर चैत्य भूमि में रखी है। दादर से आने वाली हवा
कुछ देर ठहर, एक बात बता, आप मेरे बाबा का कोई संदेशा लाई हो? दादर की चेते भूमि में सोया प्यारा आदर्श देशभक्त, उसकी मिट्टी को रो तो छूने आती हो, उस बे आवाज समाधि से कोई आवाज भी आती है? मेरी बातें सुनकर सिसक उठी दादर चेते भूमि से आने वाली उद्गीन हवा और बोली, मुझे छूकर देखो, मुझ में जो भीगापन है वो बाबा साहब के आंसू है। मेरा कहने का भाव अर्थ ये है, ये सब सुन करके बाबा साहब क्या कहते हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए रूढ़ियों को तोड़ दो, परंपराएं मोड़ दो, और जिसमें देश और समाज का भला ना हो वो काम करना छोड़ दो। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो विषय आपको दिया गया है उसको आप निभाएं, हम भी आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।